हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आरसीसी डिजाइन लेक्चर सीरीज। आज पढ़ेंगे हम लोग आइडियल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट। तो आइए देखते हैं आइडियल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट क्या होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई भी चीज़ों को एनालाइज करने के लिए, स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए हमको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जरूरी ही जरूरी है। जैसे किसी स्ट्रक्चर पे अगर लोड अप्लाई होता है तो उसमें स्ट्रेस जनरेट होता है। जैसे ये स्ट्रक्चर है तो इसके ऊपर अगर हम लोग जैसे ही इस तरह से फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर से एक स्ट्रेस जनरेट होता है, डिफॉर्मेशन भी हो रहा है और स्ट्रेस भी जनरेट हो रहा है। तो ये दोनों का क्या मतलब रिलेशन है, कितना स्ट्रेन पे कितना स्ट्रेस का वैल्यू है, ये कैसे शो कर रहा है, कितना स्ट्रेन जनरेट हो रहा है, कितना स्ट्रेस हो रहा है, कितना डिफॉर्मेशन हो रहा है, ये चीज़ अगर स्ट्रक्चर का हम जानते हैं तो भी हम लोग स्ट्रक्चर को एनालाइज कर पाएंगे। तो इसीलिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसी मायने में, क्योंकि उससे हमको ये पता चला है कि कितना डिफॉर्मेशन पे कितना स्ट्रेस का वैल्यू होगा। तो हम लोग किसी भी स्ट्रक्चर को उसके अकॉर्डिंग देख के हम लोग डिजाइन कर सकते हैं कि कितना वैल्यू होना चाहिए उसका। तो इसीलिए हम लोग स्टडी करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट, जैसा कि आरसीसी डिजाइन लेक्चर चल रहा है तो कंक्रीट के लिए हम लोग देखेंगे, उसके बाद स्टील के लिए देखेंगे, क्योंकि दोनों चीज़ें हम लोग यूज करते हैं इस मतलब इस सब्जेक्ट में, इस स्ट्रक्चर में बनाने के लिए। तो अब यहाँ पे आइडियल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का क्या जरूरत है, एक्चुअल जो मेरा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है उसको हम लोग क्यों नहीं किए, यहाँ पे आइडियल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्यों किए। कोई भी चीज़ अगर आइडियल कंसिडर करते हैं, सबसे पहले तो आइडियल का मतलब है अगर हम आइडियल हैं तो मेरा हर चीज़ फिक्स होता है कि हम इतना बजे उठते हैं, इतना बजे सोते हैं, वो कभी टाइम कभी फेल नहीं हो सकता है। तो इस दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो आइडियल हो, सब आइडियल कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन हम लोग फिर भी कंसिडर करते हैं, कि नहीं वो चीज़ है। अगर हम लोग ये चीज़ कंसिडर नहीं करें, अगर हम आइडियल कंसिडर नहीं कर रहे, एक्चुअल कंसिडर करते हैं, तो हम लोग चीज़ों को डिज़ाइन नहीं कर सकते। चीज़ें जो डिज़ाइन करते वक्त कम्प्लेक्स हो जाएगा, उससे हम लोग कोई डाटा फाइंड नहीं कर सकते। जब हम लोग डाटा फाइंड नहीं कर सकते तो हम लोग किसी का विड्थ, किसी का डेप्थ, किसी कितना रिइंफोर्समेंट चाहिए, वो चीज़ हम लोग नहीं निकाल सकते। जैसा कि आप लोग को पता है कि डिज़ाइन मतलब क्या होता है, फाइंडिंग आउट द शेप साइज एंड कनेक्शन डिटेल, कि कौन से शेप का होगा, उसका साइज क्या होगा, विड्थ और डेप्थ क्या होगा, और उसमें कनेक्शन मतलब रिइंफोर्समेंट क्या क्या जरूरत होगा, उस चीज़ों को एनालाइज करने के लिए वी हैव टू रिक्वायर्ड आइडियल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। विदाउट आइडियल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व वी कैनॉट एनालाइज द स्ट्रक्चर। इसीलिए हम लोग एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को नहीं फॉलो करके आइडियल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व करते हैं, जिससे हम लोगों को स्ट्रेन का वैल्यू मिलता है, एक फिक्स स्ट्रेन का वैल्यू मिलता है, एक फिक्स स्ट्रेस का वैल्यू मिलता है। तब हम लोग अप्लाई कर सकते हैं उसको और हम उससे हम लोग विड्थ और डेप्थ निकाल सकते हैं और कितना रिइंफोर्समेंट है वो निकाल सकते हैं। इसीलिए हम लोग आइडियल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे फोकस करते हैं रादर देन यूजिंग एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अगर हम यूज करते हैं तो उससे हमको कुछ भी डाटा ऑब्टेंड नहीं होगा। अगर हम लोग जैसे ही चीज़ों को आइडियल मान लेते हैं तो कुछ चीज़ें एज्यूम हो जाता है और उसी के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, बाकी जो अगर उसमें कुछ अनसर्टेनिटी आता है तो उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी अच्छे से ध्यान रखता है। इसीलिए हम लोग पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लेते हैं, क्योंकि वो अनसर्टेनिटी को क्या करता है, वो मतलब ध्यान रखता है, उसका केयर करता है। तो आइए देखते हैं आइडियल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट। कंक्रीट के मतलब ये पता हो गया, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है, बस रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ऑन एक्स वाई प्लॉट। वाई एक्सिस पे हम लोग हमेशा स्ट्रेस देते हैं और इन एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन देते हैं, क्योंकि स्ट्रेन जो है वो इंडिपेंडेंट पैरामीटर है, स्ट्रेन जो है वो इंडिपेंडेंट पैरामीटर है, स्ट्रेस जो है वो डिपेंडेंट पैरामीटर है। जैसे ही हम लोग इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले डिफॉर्मेशन हो रहा है, बाद में स्ट्रेस जनरेट हो रहा है इसमें। तो इसीलिए हम लोग स्ट्रेस को हमेशा वाई एक्सिस पे लेते हैं और स्ट्रेन को एक्स एक्सिस पे लेते हैं। तो आइडियल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिप्रेजेंटेशन होगा। एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अगर बात करें तो इस तरह से होगा, एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट इस तरह से होगा। देखिए कंक्रीट पे हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे तो कितना स्ट्रेन होगा, ये एजम्पशन है। अकॉर्डिंग टू आई एस 456/2000 हम लोग चीज़ों को बोलते हैं। आई एस 456 में क्या है कि चीज़ों को एनालाइज करके, एक्सपेरिमेंट करके अच्छे से लिखा गया है। तो वैसे ये नहीं कि कंक्रीट पे कंक्रीट खुद आके नहीं बोले कि हाँ मेरा इतना स्ट्रेन है, इतना स्ट्रेस। हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उससे ऑब्जर्वेशन जो वैल्यू मिलता है उसी से हम लोग ये चीज़ों को बनाते हैं। तो एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में इस तरह से होगा, एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट ये हो गया ओरिजिन, ये यील्ड पॉइंट हो गया 0.2% पे होता है और ये ब्रेक पॉइंट हो गया। इससे हम लोग क्या फाइंड होगा, कुछ भी फाइंड नहीं हो रहा, ये कर्व है एक्चुअली। तो कर्व में हम लोग ज़्यादा चीज़ें जो होगी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, इसलिए हम लोग आइडियल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है। ये है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर आइडियल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ कंक्रीट।
ये इस तरह से होके ये शुरू में गया कर्व टाइप का और बाद में स्ट्रेट लाइन इसको कंसिडर करते हैं। इस पोर्शन को हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेट कंसिडर कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि आइडियल कोई भी चीज होता है वो एजम्पशन बेसिस पे होता है, एक्चुअल नहीं होता है, उससे डाटा हम लोग को फाइंड हो। तो शुरू में स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट कितना होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ FCK होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। जैसे अगर हम M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट बोलते हैं तो यहाँ पे M मिक्स होता है और 20 क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट क्यूब्स आफ्टर 28 डेज ऑफ क्यूरिंग इज 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो यहाँ पे जो शुरू में वैल्यू होगा वो FCK होगा। अब यहाँ पे 1.5 डिवाइड कर दे, 1.5 से फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है 1.5 से डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या आ गया, 0.67 FCK आ गया। ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी सेप के लिए हम लोग डिवाइड किए, सेप के कारण जो इरेगुलरिटी पैदा हो जा रहा है स्ट्रक्चर में उसके लिए हम लोग 0.67 FCK किए। ये सेप मतलब बोल सकते हैं आप स्लेंडरनेस के लिए हम लोग 1.5 से डिवाइड करते हैं, स्लेंडरनेस सेप इफेक्ट के लिए। जैसे मान लीजिए कोई भी स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं तो उसका क्या होता है ना कि प्रपोर्शन जैसे लेंथ ज़्यादा कर दिए और विड्थ कम कर दिए तो वहाँ पे बकलिंग होने का चांसेस रहता है, वहाँ पे स्लेंडरनेस रेशियो ज़्यादा होने का चांसेस रहता है, इसीलिए हम लोग 1.5 से डिवाइड कर दिए फॉर सेफ फैक्टर के लिए, 0.67 FCK हो गया। उसके बाद इसमें फिर से 1.5 से डिवाइड करते हैं फॉर अनसर्टेनिटी ऑफ एनी स्ट्रक्चर, तो ये क्या हो गया, 0.45 FCK हो गया। तो मेरा जो डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट कितना होगा, 0.45 FCK नहीं होता डिजाइन स्ट्रेंथ, डिजाइन स्ट्रेंथ FCK नहीं होता है, 0.45 FCK होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 0.45 FCK। अगर आपको पूछेगा कि M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट का डिजाइन स्ट्रेंथ वैल्यू कितना होगा तो 0.45 x 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट का वैल्यू होगा। उसी तरह आपको ये हो गया कॉन्क्रीट का डिजाइन स्ट्रेंथ। इसके बाद ओ से लेके ए तक, ओ ए जो है वो नॉन लीनियर इलास्टिक कर्व है, OA जो है वो नर लिनियर इलास्टिक कर्व है। यहाँ पे हुक्स लॉ वैलिड नहीं होता, हुक्स लॉ कहाँ पे वैलिड होता है, अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट तक, और वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए वहाँ पे हुक्स लॉ वैलिड होता है। और AB जो है वो प्लास्टिक जोन है, उसी को बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग जोन। तो ये आपका हो गया पूरा कंप्लीट जो डायग्राम हो गया वो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर आइडियली कॉन्क्रीट के लिए हो गया। और आपको ध्यान क्या रखना है कि डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट 0.45 FCK होता है। और एक चीज क्या ध्यान रखना है आपको कि फेल्यूअर स्ट्रेन ऑफ कॉन्क्रीट, फेल्यूअर स्ट्रेन मतलब जीरो मैक्सिमम स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट इज 0.0035 और यहाँ पे जो यील्ड स्ट्रेन है वो 0.002 होगा, लेकिन मैक्सिमम स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट कितना होगा, 0.0035 होगा मैक्सिमम स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि जो मैक्सिमम स्ट्रेन होगा, फेल्यूअर स्ट्रेन होगा वो 0.0035 होगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछता है आपको। तो ये हो गया आइडियल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कॉन्क्रीट। आगे देखते हैं आइडियल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर स्टील, इसको हम लोग रब कर देते हैं। आइडियल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर स्टील तो ये है आइडियल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर स्टील। तो इससे कॉन्क्रीट का देख लिया हम लोग, यहाँ पे स्टील का देख रहे हैं। तो ये हो गया आपका स्ट्रेस वाई एक्सिस पे, ये हो गया स्ट्रेन एक्स एक्सिस पे। ये है एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। एक्चुअली क्या है, स्टील जो है डक्टाइल मटेरियल, तो डक्टाइल मटेरियल का आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इस तरह से होता है। ये होता है यहाँ तक आपका लीनियर होता है, फिर इसके बाद कर्व होता है। ये हो गया आपका अपर यील्ड पॉइंट, ये हो गया लोअर यील्ड पॉइंट, ये होता है अल्टीमेट पॉइंट, और ये होता है ब्रेक पॉइंट, ठीक है। और उसी को हम लोग आइडियल बना दिए। एक्चुअल से डाटा जो होता है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, वो हम लोग उससे एनालाइज नहीं कर सकते, स्ट्रक्चर डिजाइन नहीं कर सकते, इसलिए इसको क्या कर दिया हम लोग, इसको हम लोग बनाने के लिए इसको आइडियल कर दिया, यहाँ पे इस तरह से कर दिया, ये वाला पोर्शन को हटा के इस तरह से आ गया। तो इसका आइडियल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम स्टील का ये हो गया, ठीक है। ये आपका स्ट्रेट में कर दिए, ठीक है। अब देखिए FY जो होता है वो होता है कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। स्टील का अगर स्ट्रेंथ डिनोट करना होगा तो हम लोग FY से डिनोट करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ स्टील FY हो गया। अब इसको हम लोग स्टील में फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.15 होता है अकॉर्डिंग टू लिमिट स्टेट मेथड, तो हम लोग 1.15 से डिवाइड किए। यहाँ पे सेफ फैक्टर मायने नहीं रखता है क्योंकि हम लोग उसका
क्रॉस सेक्शन नहीं बनाते हैं, कॉन्क्रीट का हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसमें स्टील मिक्स कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे एक ही बार डिवाइड होगा और इसमें अनसर्टेनिटी कम होता है, इसलिए हम लोग 1.15 से डिवाइड करते हैं, तो 0.87 FY हो गया। तो डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ जो स्टील हो जाएगा वो 0.87 FY हो जाएगा, और जो सिर्फ FY है वो कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ स्टील है। अगर आपसे पूछे वो डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील कितना होता है तो दैट इज द 0.87 FY नॉट FY। तो ये हो गया डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। अब O से लेके A तक जो है वो स्ट्रेट लाइन है, O से A तक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे हम OA क्या लिखे हैं, लीनियर इलास्टिक, लीनियर इलास्टिक, ये लीनियर है। यहाँ पे हुक्स लॉ वैलिड होता है, हुक्स लॉ कहाँ वैलिड होता है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट तक हुक्स लॉ वैलिड होता है। तो ए जो है वो प्रोपोर्शनल लिमिट है, OA जो है वो स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे हुक्स लॉ वैलिड होगा, लीनियर इलास्टिक लिख दिए। AB जो है, ये AB जो पोर्शन है A से लेके बी तक जो पोर्शन है वो नॉन लीनियर इलास्टिक जोन है, यहाँ पे हुक्स लॉ वैलिड नहीं होता है, यहाँ पे हुक्स लॉ वैलिड नहीं होगा, और यहाँ पे जो यील्ड पॉइंट पे होगा वो 0.002 होगा, यहाँ पे कोई फेलियर स्ट्रेन नहीं होगा, जिसे हम लोग कंक्रीट में लिखे थे यहाँ पे 0.0035, यहाँ पे कंक्रीट फेल कर जाएगा, मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट 0.0035 होता है, लेकिन स्टील में वैसा कोई फिक्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे स्टील डज नॉट फेल बट कंक्रीट फेल एट 0.0035। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और BC जो है वो प्लास्टिक जोन होता है, BC जो है वो प्लास्टिक जोन होता है। तो ये हो गया आपका आइडियल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर स्टील। ये चीज़ें जो है पूछा जाता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, या फिर ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, यहाँ से ही डाटा निकलता है डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील 0.87 FY। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आइडियल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हम लोग क्यों बनाते हैं और स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्यों बनाते हैं। ठीक है, इसको इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं, आगे हम लोग और देखेंगे RCC डिजाइन के बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। तो छोड़ देते हैं आज यहीं तक, आगे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके उसको शेयर कीजिए। थैंक यू।